हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पॉइंट। और ये वीडियो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने समझा था नॉर्मल रेजिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, जीडीपी और जीएनपी के बारे में, और पार्ट 2 में हमने समझा था मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी के बारे में। तो अगर आप चाहें तो वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेट इनकम के बारे में और साथ में उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट इनकम को समझने से पहले डोमेस्टिक इनकम को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आपको प्राइवेट इनकम अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, डोमेस्टिक इनकम ये क्या होती है? एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई फैक्टर इनकम ही कहलाती है डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय, और इसको हम डिनोट करते हैं एनडीपीएफसी से। ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है, ये दो सेक्टर्स के बीच में बंटती है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो फर्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। और दूसरा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम का वो पोर्शन या डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा आ जाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्लियर है। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम का वो पोर्शन या वो हिस्सा आ जाता है जो पब्लिक सेक्टर को मिलता है, या फिर जो हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को मिलता है। डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा जो पब्लिक सेक्टर को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट सेक्टर को मिलता है, वो इसके अंदर आ जाता है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको एनडीपीएफसी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ आपको दे रखा है डोमेस्टिक इनकम 200 करोड़, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर 120 करोड़, और आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम दो सेक्टर्स के बीच में बंटती है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो गवर्नमेंट सेक्टर को इनकम मिलती है वो तो दे रखी कितनी, 120 करोड़। उसके बाद ये देखो, डोमेस्टिक इनकम कितना दे रखा है आपको, 200 करोड़। तो अब क्या निकालना है आपको? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो प्राइवेट सेक्टर को इनकम मिलती है वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप? 200 में से लेस कर दोगे 120 को तो मिल जाएगा आपको, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 80 करोड़। अब वापस अपनी पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। अब पब्लिक सेक्टर को डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो इनकम मिलती है, यानी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, और दूसरा है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। पहले फर्स्ट देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सरकारी विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, जैसे रेलवेज हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ, तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको प्रॉपर्टी से जो भी रेंट वगैरह मिलता है, या उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी प्रॉफिट मिलता है, या फिर जो भी इंटरेस्ट इनको मिलता है, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, यानी गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। इसमें क्या आता है?
देखो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, जैसे MTNL, LIC, उन सब की जो सेविंग्स होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में आ जाएगी। और जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इसको प्लस करोगे सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC दे रखा है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की इनकम दे रखी है, साथ में आपको क्या दे रखा है, मान लो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की सेविंग्स भी दे रखी है, और आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? NDPFC में से इन दोनों को लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में डोमेस्टिक इनकम दे रखी है 100 करोड़, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ये कितना दे रखा है 35 करोड़। उसके बाद दे रखा है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस 20 करोड़, और आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो देखो क्या करोगे आप, ये जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की इनकम यानी 35 करोड़ घटाओगे, और क्या घटाओगे, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की सेविंग यानी 20 करोड़ भी लेस करोगे, तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 - 35 - 20, NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम में से क्या लेस किया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की इनकम, फिर लेस किया नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की सेविंग्स यानी 100 - 35 - 20 किया, तो फाइनल आंसर आ गया 45 करोड़। तो ये हमको मिल गई किसकी वैल्यू, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू हमको मिल गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम या निजी आय। ये क्या होता है, एक साल में प्राइवेट सेक्टर को कंट्री के अंदर से और कंट्री के बाहर से जो भी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम मिलती है उसका टोटल ही कहलाता है प्राइवेट इनकम। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से मेरा मतलब है प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्लस हाउसहोल्ड्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, प्राइवेट इनकम इज टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर इनकम्स अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर विद इन और आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल के दौरान प्राइवेट सेक्टर को कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर से जो भी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम मिलती है उसका टोटल क्या कहलाता है, प्राइवेट इनकम। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो अभी हमने देखा प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों आती है। पहले देख लेते हैं फैक्टर इनकम या कारक आय ये क्या होती है। देखो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के साधन, वो कौन कौन से हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इसके बदले में उनको जो इनकम मिलती है वो क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम या कारक आय। जैसे कि कोई लेबर है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो लेबर को तो मिलता है वेजेस, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल के अगेंस्ट क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। सो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको 2 सोर्सेस से फैक्टर इनकम मिलती है। पहला तो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये वाला जो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम मिलती है वो इसमें आ जाती है। और ये तो हम अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में थोड़ा। अब देखो NFIA क्या है ये समझ लेते हैं। NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो पहले देख लेते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हमारी कंट्री के लोग
अदर कंट्रीज में जाकर फैक्टर इनकम अर्न करके लाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। यानी जब हमारे देश के लोग विदेशों से जाकर कारक आय को अर्न करके लेके आते हैं तो उसे हम नाम देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त कारक आय का। और इसी तरह से जब फॉरनर्स यानी जब विदेशी लोग हमारी कंट्री से फैक्टर इनकम अर्न करके अपनी कंट्री में ले जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का, यानी कि विदेशों को दी गई कारक आय का। और जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से हम लेस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को तो हमें मिल जाता है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो ये था NFIA। अब देखो ये जो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये किस चीज़ को बताता है? ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर को फैक्टर इनकम मिलती है उसको बताता है। और ये जो NFIA है ये किसको बताता है? NFIA ये डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर को फैक्टर इनकम मिलती है उसको बताता है। और वैसे तो NFIA गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही मिलता है, पर हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि NFIA सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही मिल रहा है, ये हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र इनकम पर। ट्रांसफ़र इनकम जिसको हम बोलते हैं हस्तांतरण आय, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या हुई? ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम हुई जिसके बदले में, जिसके रिटर्न में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी जाती, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हुआ, तो इनके बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस थोड़े ना दी जाती है। ये तो एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से मान लो मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो उसके बदले में कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी तो करी नहीं ना, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो करी नहीं जिसको मिल रहा है उसने। और ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसके कारण किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाली ट्रांसफ़र इनकम को हम तीन हेडिंग में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। कई बार गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम की तुलना में ज़्यादा होते हैं और तब गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उधार लेती है और उस पैसे को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल करती है। तो इस तरह के लोन पर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट चुकाती है उसे ही हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट यानी कि सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण। इसके अंदर गवर्नमेंट से मिलने वाली ट्रांसफर इनकम आ जाएगी, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्या है? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले समझ लेते हैं करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये क्या होता है। हमारी कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी हमारे देश को अदर फॉरेन कंट्रीज से जो भी गिफ्ट्स, ग्रांट्स और डोनेशन मिलते हैं उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह से हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो भी गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स देती है उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से हम लेस कर देते हैं करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हमें मिल जाता है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने प्राइवेट इनकम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लिया इस डायग्राम की हेल्प से। अब हम ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट इनकम को NDPFC की हेल्प से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।
कैलकुलेशन ऑफ प्राइवेट इनकम। तो देखो अब हम यहाँ पर प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी की हेल्प से। सबसे पहले हमने लिखा एनडीपीएफसी, फिर माइनस किया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, फिर माइनस किया सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो जब एनडीपीएफसी में से ये दोनों चीज़ें लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो ये डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी था, इसमें से जब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, जब ये दोनों चीज़ें एनडीपीएफसी में से लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। और ये किसको बताता है? ये बताता है कि प्राइवेट सेक्टर को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम मिलती है उसको बताता है। ठीक है, तो एनडीपीएफसी में से ये दोनों लेस कर दिया। फिर उसके बाद हमने करा प्लस एनएफआईए। तो इस स्टेप तक प्राइवेट सेक्टर को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और बाहर से जो भी फैक्टर इनकम मिलती है उसको तो हमने ले लिया। अब क्या ट्रांसफर इनकम बची, उसको और ऐड कर दो। तो हमने ऐड करा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, फिर ऐड किया करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और फिर ऐड किया नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फाइनली हमें मिल जाएगी प्राइवेट इनकम। तो ये था एनडीपीएफसी की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया प्राइवेट इनकम। अब अगर आपको एनएनपीएफसी की हेल्प से प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने प्राइवेट इनकम कैलकुलेट किया है एनएनपीएफसी की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखा है एनएनपीएफसी, उसके बाद पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर प्लस एनएफआईए हमने नहीं किया है, एनएफआईए मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया एनएनपीएफसी, तो जो एनएनपीएफसी होता है उसमें तो ऑलरेडी एनएफआईए इंक्लूडेड होता है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो हमने क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया एनएनपीएफसी इधर स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस एनएफआईए पूरे फॉर्मूले में कहीं भी नहीं किया। तो इस तरह से एनएनपीएफसी की हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है डोमेस्टिक इनकम 1000 करोड़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ये दे रखी है 80 करोड़, फिर दे रखा है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज 60 करोड़, फिर नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 20 करोड़, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 70 करोड़, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50 करोड़, एंड एनएफआईए कितना दे रखा है 100 करोड़। और आपको कैलकुलेट करनी है प्राइवेट इनकम। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो प्राइवेट सेक्टर को इनकम मिलती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एनडीपीएफसी में से गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो इनकम मिलती है उसको लेस करेंगे, और फिर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस इसको भी लेस करेंगे, यानी 1000 माइनस 80 माइनस 60 करेंगे। ये क्यों किया वापस याद दिला देती हूँ। देखो डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी, इसमें से जब लेस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इसे लेस करेंगे, और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस इसको लेस करेंगे, यानी इन दोनों को लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। और ये किसको बताता है, ये बताता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को जो फैक्टर इनकम मिलती है उसको बताता है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, 1000 माइनस 80 माइनस 60 करके पहुँच गए हम इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इस पर पहुँच गए। अब हमको क्या ऐड करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो फैक्टर इनकम मिलती है प्राइवेट सेक्टर को उसको ऐड करना है। तो इसलिए हम क्या ऐड करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA ऐड किया यानी प्लस का 100 किया। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को जो ट्रांसफर इनकम मिलती है उसको हम ऐड करेंगे, इसलिए नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी 20 प्लस 70 प्लस 50 करेंगे।
तो फाइनली अगर हम प्राइवेट इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1100 करोड़। ये आ गई प्राइवेट इनकम की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पे दे रखा है NNPFC यानी नेशनल इनकम दे रखा है 600 करोड़, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ये दे रखा है 30 करोड़, फिर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस 40 करोड़, फिर नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 70 करोड़, उसके बाद दे रखा है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 100 करोड़, देन नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 90 करोड़, और लास्ट में दे रखा है NFIA 50 करोड़। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आपको NNPFC दे रखा है तब कैसे कैलकुलेट करोगे आप प्राइवेट इनकम? तो अब हमको जब NNPFC की हेल्प से जब प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी होती है तो हम NFIA को नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर NFIA आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो जब NNPFC की हेल्प से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले NNPFC में से लेस करेंगे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की इनकम, और फिर लेस करेंगे सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। पहले इतना कर लेते हैं, 600 यानी NNPFC, फिर माइनस किया गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की इनकम यानी -30, फिर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस किया यानी -40, फिर जो भी ट्रांसफ़र इनकम मिलती है प्राइवेट सेक्टर को वो ऐड कर लेंगे, यानी ऐड करेंगे नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट कितना है 70 प्लस 70, फिर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 100, फिर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कितना है 90, तो ये भी ऐड कर दिया। तो फाइनली प्राइवेट इनकम की वैल्यू आ जाएगी ₹790 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको यहाँ पे दे रखा है NDPFC 500 करोड़, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर 30 करोड़, फिर दे रखा है नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 15 करोड़, देन करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 35 करोड़, फिर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 60 करोड़, और लास्ट में दे रखा है NFIA 120 करोड़। तो सबसे पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NDPFC में से क्या लेस कर देंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर लेस कर देंगे, यानी 500 में से जब 30 लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, 500 माइनस 30 किया। एक बार आपको वापस याद दिला देती हूँ, देखो ये डोमेस्टिक इनकम है NDPFC है, इसमें से आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर ये दे रखा है। तो जब NDPFC में से ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, प्लस NFIA करोगे यानी प्लस 120 करोगे। अब प्राइवेट सेक्टर को जितनी भी ट्रांसफर इनकम मिल रही है वो ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ऐड करेंगे नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये कितना है 15 करोड़, तो ऐड किया हमने, फिर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कितना 35, फिर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना 60, तो फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 700 करोड़। ये आ गई प्राइवेट इनकम की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको NDPFC की वैल्यू दे रखी है 7000 करोड़, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर 670 करोड़, फिर दे रखा है नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 300 करोड़, फिर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट 50 करोड़, फिर दे रखा है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 150 करोड़, और लास्ट में दे रखा है NFIA 80 करोड़। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और उसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट दे रखी है कितनी, ये 670 करोड़। तो सबसे पहले वही लिख दो, फिर प्लस करेंगे इसमें NFIA, तो वो कितना दे रखा है 80, ये किया, फिर नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस करेंगे
तो प्लस का 300, फिर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ये प्लस करेंगे यानी प्लस का 50, फिर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ऐड करेंगे यानी 150 ऐड करेंगे। तो फाइनल अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट इनकम की तो वो आएगी 1250 करोड़। ये आ गई प्राइवेट इनकम की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।